है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा बाय वन प्लस कॉस थीटा हम लोग को प्रूव करना है। इसमें से यूज अगर किया जाए तो वन माइनस कॉस थीटा बाय वन प्लस कॉस थीटा। अब इसको क्या कीजिए, आप रेशनलाइज कर दीजिए, तो वन माइनस कॉस थीटा बाय वन माइनस कॉस थीटा। अब रेशनलाइज जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये इसको राइट कर सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको आप क्या राइट कर सकते हैं, वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसको आप राइट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोगों का वन होता है। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका हम लोग यूज यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसको हम एक्सपोनेंट का यहाँ पर यूज करेंगे और इसको राइट कर सकते हैं वन माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि स्प्लिट कर देंगे, इसको अलग अलग कर दिया जाएगा। अगर इसको अलग अलग कर देते हैं हम लोग तो ये हो जाता है वन बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब वन बाय साइन थीटा, वन बाय साइन थीटा हम लोगों का कॉसेक थीटा होता है, और कॉस बाय साइन थीटा हम लोगों का कॉट थीटा होता है। अब देखिए बच्चों कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हम लोगों का रिजल्ट आ गया है। ये हम लोगों का क्या है, एल एच एस है, ये आपका एल एच एस है। ये आइडेंटिटी कैसे लगा, ये भी आप राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़े हुए हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन, हम लोग ये पढ़े हुए हैं। ठीक है, कॉसेक को अच्छा से लिख लीजिए। तो यहां पर हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, यहां पर राइट कर सकते हैं कॉसेक थीटा वन बाय साइन थीटा। सेम इसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये सारा आइडेंटिटी जो है आपको याद रखना, प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए बाय कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए। तो हम लोग यहाँ पर एल एच एस लेके चलेंगे सेकेंड का सोल्यूशन, यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए बाय वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए बाय कॉस ए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब लेंगे तो हम लोगों को मिलेगा कॉस ए बाय वन प्लस साइन ए, और फिर हम लोगों का इससे ये डिवीजन करते हैं रूल के अकॉर्डिंग, तो डिवीजन करेंगे दोनों तो सेम है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और सेम एज वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। फिर इसको राइट करेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर ए, और इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से यहाँ पर राइट करेंगे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम लोग इसको यूज करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा वन का स्क्वायर वन प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस टू इंटू वन इंटू साइन, तो टू साइन ए बाय यहाँ पर कॉस ए और वन प्लस साइन ए। अब बच्चों कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर को एक साथ राइट कर लीजिए, क्योंकि इससे एक आइडेंटिटी हम लोगों को मिल रहा है, और प्लस वन और प्लस टू साइन ए बाय कॉस ए वन प्लस साइन ए। अब बच्चों हम लोगों ने अभी देखा कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन होता है, तो वन प्लस वन प्लस टू साइन ए बाय कॉस ए वन प्लस साइन ए। अब बच्चों ये ऐड हो जाएगा तो टू प्लस टू साइन ए बाय कॉस ए वन प्लस साइन ए। अब इसमें टू कॉमन राइट कर सकते हैं आप, तो यहां पर टू कॉमन ले लीजिए, टू वन प्लस साइन ए बाय कॉस ए वन प्लस साइन ए। अब बच्चों देखिए वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए सिमिलर है, इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, टू इंटू वन बाय कॉस ए इज इक्वल टू वन बाय कॉस ए सेक ए होता है, तो ये हो जाएगा सेक ए, यही है हम लोगों का आर एच एस, तो ये हम लोगों को मिल गया वन बाय कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए। अभी हमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सेक ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू वन, तो फिर हम लोग राइट कर सकते हैं सेक ए इज इक्वल टू वन बाय कॉस ए। इन सभी आइडेंटिटीज का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए कितना इजी से, अगर आइडेंटिटीज आप याद रखते हैं तो कितना इजी से आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री के ये सारा प्रॉब्लम जो है वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज
और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हम लोगों का सॉल्व होता है। इसलिए ये सब फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 1 माइनस कॉट ए टेन ए बाय 1 माइनस कॉट ए और प्लस कॉट ए बाय 1 माइनस टेन ए इज इक्वल टू, हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर थीटा है, तो आप थीटा राइट कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने ए लिख दिया, ये थीटा है आपके क्वेश्चन में, तो थीटा राइट कर लीजिए। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, लेकिन आप टेन को कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं और कॉट को टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो ज्यादा ईजी होगा हम लोग वही करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉट को टेन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको राइट कर सकते हैं टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट को हम लोग टेन में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। ये हो गया 1 बाय 10 थीटा है, हम बार बार ए लिख दे रहे हैं, इसको सुधार लीजिए, 1 माइनस 10 थीटा, ठीक है। अब इसको हम लोग इस तरह से राइट करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 10 थीटा माइनस 1 और बाय 10 थीटा, ठीक है। और प्लस ये हो जाएगा आपका 1 बाय 10 थीटा और 1 माइनस 10 थीटा। अब क्या कर सकते हैं, अब हम लोगों को क्या करना है, ये tan थीटा तो आपका स्क्वायर पे चला जाएगा बाय, यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां पर हम लोग माइनस कॉमन ले लीजिए, यहां माइनस ले लेते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1, ये दोनों कॉमन आएगा इसलिए हम लोग यहां पर क्या किया, माइनस ले लिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, अब हम लोग राइट कर सकते हैं दोनों का एलसीएम लेंगे तो tan थीटा एंड tan थीटा माइनस 1। अब देखिए ये दोनों सिमिलर है, इससे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ होगा tan क्यूब थीटा और माइनस, ये दोनों सेम है 1। अब देखिए फिर यहाँ पर एक फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं ये a क्यूब है, ये b क्यूब है, इसको हॉल 1 का हॉल क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। तो फिर हम लोग राइट कर सकते हैं tan थीटा माइनस 1 और tan स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, तो राइट कर सकते हैं प्लस tan थीटा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा और 1 का हॉल स्क्वायर, तो यहां पर 1 ही आएगा बाय डिनोमिनेटर एज इट इज आपको राइट करना है, ठीक है बच्चों। अब tan थीटा माइनस 1 ये कैंसल आउट हो गया, अब हम लोग को जो रिजल्ट मिला वो है tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा। अब आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है, अलग अलग कर देना है, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाय tan थीटा प्लस tan थीटा बाय tan थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा। ये इसको इस कैंसिल कर सकते हैं, राइट कीजिए tan थीटा, ये भी कैंसिल आउट होगा, यहाँ 1 हो जाएगा और प्लस 1 बाय tan थीटा का हो जाएगा cot थीटा। हम लोग को रिजल्ट फाइंड क्या करना है, हम लोग को रिजल्ट फाइंड करना है 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा, ठीक है। तो 1 तो आ चुका है, तो 1 को ले लीजिए और ये दोनों एक साथ कर दीजिए, तो हो जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा। अब इसको हम लोग एक साथ कर दिए, हम लोगों को sin के sec और cosec में लाना है, तो tan को कन्वर्ट कर दीजिए sin थीटा बाय cos थीटा में और इसको कन्वर्ट कर दीजिए cos थीटा बाय sin थीटा में। अब इसका जब आप लोग एलसीएम लीजिएगा तो आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे cos थीटा इंटू sin थीटा और यहाँ मिल जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। आप लोगों को मालूम है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, सो हम लोग क्या राइट कर सकते हैं 1 बाय cos थीटा इंटू sin थीटा, फिर 1 प्लस, अब इसको हम लोग ऐसे भी राइट कर सकते हैं 1 by cos theta सेपरेट राइट कर दिए और 1 प्लस, अब 1 by cos theta हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 1 by cos theta हम लोग राइट कर सकते हैं sec theta और 1 by sin theta राइट कर सकते हैं cosec theta। तो इस तरह से हम लोग को रिजल्ट मिल गया कि sec theta into cosec theta। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोगों को मिल गया। तो इस तरह से हम लोग प्रूफ 1 प्लस sec a by sec a, ये LHS है, हमको RHS लाना है, ठीक है, sin square by 1 minus cos a। हम इसको इजी से क्या राइट कर सकते हैं 1 by cos a, इसको भी राइट कर सकते हैं 1 by
कॉस ए, हम लोग इस तरह से राइट कर सकते हैं। फिर हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए प्लस वन बाय कॉस ए। अब वन बाय कॉस ए को हम लोग राइट कर सकते हैं, डिवाइड में था मल्टीप्लाई में चेंज कर दिए, ये कैंसिल हो गया। फिर इसको अच्छा से राइट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर वन माइनस कॉस ए है, तो हम लोग राइट कर सकते हैं वन प्लस कॉस ए बाय वन। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक यूनिक चीज हम बता रहे हैं जो आप लोग को याद रखना है कि वन माइनस कॉस ए यहाँ पर लाना है डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, वन माइनस कॉस ए से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो अब हम लोग का वन माइनस कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा हम लोगों का वन माइनस कॉस ए। तो हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को मिला वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, वन माइनस कॉस ए। और हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इजी से आपको राइट कर सकते हैं इतना साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, यही हम लोगों का आर एच एस है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप बहुत इजी से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, और ये बहुत ही